अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा, शोबे सहाफ़त से मुंसलिक हूँ। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, DIG मकसूद मेमन साहब है, उन्होंने SSU के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक अहम मामला जो है वो सामने आया है कि इसके ऊपर बताया गया कि जनाब जिन जिनको कॉम्पिटिशन गोलियाँ चलाने का शौक है वो एक मुकाबला हो रहा है SSU के अंदर, जिसके अंदर वो शिरकत कर सकते हैं। अगर आप सीनियर हैं, आपके पास असला है, लाइसेंस याफ्ता, तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीगर पुलिस के आला अफसरान भी मौजूद थे। इस तरह के इवेंट से क्या फ़ायदे होंगे ऊपर ही बताऊंगा, मगर 6 सितंबर को डिफेंस डे के हवाले से जो है ये इवेंट होने जा रहा है, आप लोग तमाम शिरकत कर सकते हैं। तहम एक मामला ये है कि एक तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छी कोऑर्डिनेशन बनती है कम्युनिटी और पुलिस के दरमियान, जो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें बेहतरी आती है, साथ साथ एक परसेप्शन जो है वो भी बेहतर होता है। इसके ऊपर हम ये देख रहे हैं कि SSU जो कि स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है, यानी कि जो VIPs है उनको सिक्योरिटी फराहम कर रही होती है, एक परसेप्शन होता है सिक्योरिटी को लेकर दुनिया भर के लोग कराची के अंदर मौजूद है बिलखसूस, और वो एक परसेप्शन बना रहे होते हैं, जिसके ऊपर DIG मकसूद मेमन साहब तो बहुत बेहतर अंदाज में काम करते दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मगर जब उसको लार्जर स्केल में देखा जाता है, अगर आपकी कोऑर्डिनेशन हो, आप उनको प्रॉपर प्रोटोकॉल्स और उनको प्रॉपर सिक्योरिटी फराहम कर रहे हों, तो एक मैसेज जो है वो लेकर जा रहे होते हैं। और जिस तरह जो कमांडोज SSU के पास हैं, वो यकीन तौर पर एक बेहतर नज़र भी आते हैं और सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो बेहतर कारकर्दगी भी जो है उनकी दिखाई देती है। तहम वीडियो के अंदर अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कि और किस तरह पुलिस और कम्युनिटी के दरमियान जो है वो बेहतरी लाने के लिए किस किस तरह के इकदाम होने चाहिए। एक अच्छा इवेंट होने जा रहा है, इसमें लाजमी शिरकत कीजिएगा और वीडियो पर कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।